हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग, ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कि बहुत से स्टूडेंट सिर्फ इस बात को लेकर परेशान है कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सी बुक से अपनी प्रिपरेशन करें, कौन सी बुक है जिससे हम अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाए। ठीक है, और हमें ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैम जो मेन एग्जाम है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ना हमें पीवाईक्यूज जो है वो भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो हमारी प्रिपरेशन किस तरीके से होगी। तो आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीसीएनईटी यानी उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी बुक के बारे में जिससे आपकी प्रिपरेशन ना सिर्फ अच्छे तरीके से हो पाएगी बल्कि आप कम टाइम में अपनी प्रिपरेशन जो है उसको भी कर पाओगे, क्योंकि आपका एग्जाम जून में कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप देखा जाए तो आपके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। अब इतने ये जो कम टाइम है इसमें आपको ना सिर्फ प्रिपरेशन अच्छे से करनी है बल्कि आपको रिवीजन जो है वो भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो आपको जरूरत है एक ऐसे कंटेंट की जिसमें मतलब अच्छे तरीके से जो भी मैटर है वो दिया गया हो। ठीक है, और जो भी मतलब सब्जेक्ट वाइज जो भी क्वेश्चन है वो अच्छे से दिए गए हो। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बेटर बुक के बारे में। ये बुक जो है वो टेस्ट प्रिपरेशन पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये बुक जो है वो स्पेशली डिजाइन की गई है जो उत्तर प्रदेश स्टेट में जो गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसके लिए। ठीक है, मैंने इससे पहले भी इस बुक की जो एक वीडियो है उसको इस चैनल पर शेयर किया है आप सभी के साथ, तो आपने देखा होगा। आज के वीडियो में हम जो इस बुक के बारे में इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, क्यों ये बुक जो है वो क्यों बेस्ट है और ये प्रिपरेशन में आपकी हेल्प किस तरीके से करेगी। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया है, जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाता है वो थोड़ा सा टफ भी है। ठीक है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है, सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि वो जो गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस जो उत्तर प्रदेश के हैं, टॉप के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जैसे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो उनमें वो एडमिशन ले पाए और वहां से अपनी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू कर पाए, तो कॉम्पिटिशन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो आपको ऐसे कंटेंट से पढ़ना चाहिए जिसमें आपका टाइम भी कम बचे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। इस बुक में सबसे मुझे जो अच्छी चीज लगी वो ये है कि इस बुक को अगर आप अभी भी स्टार्ट करते हो, जैसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन मतलब थोड़ा सही से अभी तक नहीं कर पाए और जो उनका एग्जाम जून में है और वो सोच रहे हैं कि मैम अब हम इतने कम टाइम में अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करें, तो आप इस बुक को परचेज कीजिए। इस बुक से आप बहुत ही कम टाइम में अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि मैम जो मेन एग्जाम है उसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको इस बुक से पता चलेगा। जैसे टोटल आपके एग्जाम में 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बुक में देखिए यहां एग्जाम पैटर्न दिया गया है। ठीक है, जिसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड के टोटल 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, फिजिक्स सब्जेक्ट से टोटल 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, उसके अलावा केमिस्ट्री सब्जेक्ट से भी टोटल 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बायोलॉजी सब्जेक्ट से भी टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके अलावा जनरल इंग्लिश से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल जो है वो 200 जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे और साथ ही साथ जो आपका एग्जाम होता है वो भी 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, इस बुक की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस बुक में आपको 10 प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस जो टेस्ट सेट है वो आपको 10 इस बुक में मिलेंगे और इस बुक में सबसे खास बात ये है कि आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे वो आपको देखने में लगेगा जैसे आपका मेन क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सब्जेक्ट वाइज उसी तरीके के दिए गए हैं जैसे आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जितने क्वेश्चन बायोलॉजी से आने हैं, जितने फिजिक्स से, जितने केमिस्ट्री से, जितने नर्सिंग एप्टीट्यूड से, जितने जनरल नॉलेज से, जितने जनरल इंग्लिश से, उन सभी को उसी तरीके से इस बुक में दिया गया है जैसे आपके मेन जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आएंगे। तो जैसे बहुत से स्टूडेंट जिनको नहीं पता है कि मैम हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हमसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, तो आपको इस बुक में ये पता चलेगा कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो किस तरीके से है। जैसे आप देख रहे हैं जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो है वो सबसे पहले दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद फिजिक्स सेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, उसके भी 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से। ठीक है, उसके अलावा जो
केमिस्ट्री सब्जेक्ट, केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है ये उसका सेक्शन दिया गया और उसके भी आपको जो क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं। उसके अलावा फिर जब जो 40 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के हो जाते हैं तो बायोलॉजी सब्जेक्ट के भी 40 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जो जनरल इंग्लिश, जो सबसे मेन प्रॉब्लम रहती है नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए कि मैम अब हम जो क्लास 10th की इंग्लिश को फिर से पढ़ें तो आपको जो इंग्लिश है उसकी अलग से कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, आप इस बुक से अपनी जो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उससे कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी आपको पता चलेगा, ठीक है। उसके अलावा जैसे इंग्लिश से टोटल 20 क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले हैं। उसके अलावा जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज सबसे मेन प्रॉब्लम है नर्सिंग स्टूडेंट की, क्योंकि देखिए बहुत से स्टूडेंट अब जो सिविल एग्जाम्स या फिर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी जो जनरल नॉलेज है वो बहुत ही बेटर होती है, लेकिन जो नर्सिंग स्टूडेंट है उन्होंने जनरल नॉलेज इतना ज्यादा पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें मेन जो करंट अफेयर्स वगैरह हैं बहुत ज्यादा जो मतलब नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनकी बहुत ही ज्यादा ये प्रॉब्लम रहती है कि मैम अब हम बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी करें या फिर करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज को फिर से पढ़ें। तो आप इस बुक से अपनी जो जनरल नॉलेज और जो करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट इस बात को लेकर भी परेशान होते हैं कि मैम हमें ये तो नहीं अब हम कौन कौन सी जो करंट अफेयर है वो पढ़ लें, हमें कम से कम एक ऐसा कुछ पैटर्न तो मिलना चाहिए जिससे हमें यह समझ में आए कि हमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो आप इस बुक से जो भी क्वेश्चंस हैं वो एक अच्छे से पैटर्न में दिए गए हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको मतलब जो एग्जाम है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी मतलब बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स नर्सिंग एप्टीट्यूड जनरल इंग्लिश जनरल नॉलेज के जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको बहुत ही अच्छे पैटर्न में इस बुक में दिए गए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इस बुक में सबसे बेस्ट चीज मुझे लगी वो ये है कि जो सॉल्यूशंस दिए गए, जैसे आप मतलब सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन आपको कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है या फिर वो क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होगा ये नहीं पता है तो आप सॉल्यूशन की हेल्प से क्या कर सकते हो, आप अपने जो आंसर्स वगैरह है वो भी चेक कर सकते हो, समझ भी सकते हो कि कौन से क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से। जैसे फिजिक्स में सबसे ज्यादा डाउट आता है कि जो स्टूडेंट है उनको ये नहीं समझ में आता कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया गया है, तो इस बुक में आपको सॉल्यूशंस जो है वो भी मिलेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके अलग से जो सॉल्यूशंस हैं वो भी दिए गए। इस तरीके से आपको लगभग 10 प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको मिलेंगे और प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग एक क्वेश्चन पेपर में 200 क्वेश्चंस हैं और ऐसे 10 मतलब टोटल 2000 क्वेश्चंस जो है वो आपके पास होंगे। तो ये बहुत ही इसलिए बेटर बुक है क्योंकि आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस होंगे, आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे। ये जो 2 महीने का टाइम है वो आपके लिए बहुत ही प्रीशियस टाइम है, अगर आप अच्छे तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर लोगे ना तो आपका एग्जाम बहुत ही आसानी से क्रैक हो जाएगा, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स जो मतलब इस बात को लेकर भी परेशान होते हैं कि मैम हमें जो PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो भी नहीं मिल पा रहे हैं, हमें किस तरीके से पता चलेगा कि मतलब कौन सा जो एग्जाम का लेवल है वो किस तरीके से रहता है, ठीक है। तो आपको जो भी इस बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपके पहले एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप इस बुक से जो भी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें जो भी बायोलॉजी मैंने देखा कि बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स नर्सिंग एप्टीट्यूड जनरल इंग्लिश जनरल नॉलेज के जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं ना वो सभी वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, ठीक है, या फिर वो कहीं ना कहीं किसी नर्सिंग जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है उसमें पूछे जा चुके हैं। तो मतलब बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस जो बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो आप इस बुक को परचेज कीजिए और इस बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि मैम हम कुछ बुक से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम क्या इस बुक को परचेस करें, तो आप ऐसा कीजिए ना, आप जैसे उन बुक्स को आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आपको उन बुक्स में सिर्फ नोट्स मिल रहे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो आप इस बुक से जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि टोटल 2000 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। आप अगर 2000 क्वेश्चन को 2 बार भी कर लोगे ना तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत मस्त हो जाएगी, ठीक है, आप अच्छे तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर पाओगे, ठीक है। साथ ही साथ इस बुक में जो है वो आपको 3 से 4 OMR शीट्स जो है वो भी मिलेंगी। ये OMR शीट्स जो है वो बिल्कुल उस पैटर्न की है जैसे आपके एग्जाम जब आपका होगा ना तो उसमें जो आपको OMR शीट्स देखने को मिलेगी उस तरीके की OMR शीट है। तो बहुत से स्टूडेंट जिनको ये प्रॉब्लम रहती है कि मैम क्या होता है कि जब हम एग्जाम जो OMR शीट को फिल करते हैं तो क्वेश्चन जो है वो गलत जो भी आंसर्स हैं वो गलत हम टिक कर देते हैं, तो हमें समझ में ही नहीं आता है कि मतलब कभी कभी हमारे मतलब जो गलत टिक हो जाता है जो भी मतलब
मतलब जो गोला वगैरह भरने होते हैं वो गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो आप जो OMR शीट्स है उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे बहुत से स्टूडेंट के मैंने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन देखे कि मैम हमें जो मॉक टेस्ट वगैरह है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो हम किस तरीके से अपनी जो मतलब एक टेस्ट हम क्यों देते हैं, क्योंकि जिससे हमें ये पता चले कि हमारी प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है। तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो आपको आप में से जो भी स्टूडेंट जो मतलब जिन्होंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किया या जिन्होंने जो मॉक टेस्ट वगैरह है वो अभी तक सॉल्व नहीं किए, तो आप क्या कर सकते हो, जब आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, आपको थोड़ा सा लगे कि आप थोड़ा सा मतलब चेक करो खुद को कि किस तरीके की आपकी प्रिपरेशन चल रही है, तो आप क्या कर सकते हो, जो क्वेश्चंस हैं वो एक प्रैक्टिस सेट उठा सकते हो उसमें से और उसके क्वेश्चंस को OMR शीट्स में फिल कर सकते हो, मतलब जो भी आंसर्स वगैरह उनको इसमें फिल कर सकते हो और फिर प्रॉपरली चेक कर सकते हो, क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग है वो इस एग्जाम में कंसीडर्ड नहीं की जाती है। तो आप अच्छे तरीके से जो OMR शीट्स है वो खुद से भी चेक कर सकते हो और आपको एक आइडिया लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है, क्योंकि आप ऐसे कंटिन्यू पढ़ते रहोगे तब आपको नहीं समझ में आता है कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, OMR शीट्स में प्रॉपर आंसर फिल करोगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आप कितने पानी में हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो OMR शीट्स हैं वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लगभग 3 से 4 OMR शीट्स इस बुक में दी गई है, ठीक है। उसके अलावा मेन चीज क्या है कि जैसे बहुत से स्टूडेंट जिनको ये परेशानी आ रही है कि मैम हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये बुक तो हमने देख ली है लेकिन हम इस बुक को परचेस कैसे करें, तो इस बुक को मेनली आपको फ्लिपकार्ट जो है उस पर भी ये बुक अवेलेबल है, अमेजन पे भी मिल जाएगी। उसके अलावा जो टेस्ट प्रिपरेशन पब्लिकेशन का जो ऐप है उस पर भी आपको ये बुक जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो आप फ्लिपकार्ट से भी इस बुक को परचेस कर सकते हो, ठीक है। और अब जो मेन जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स का मैंने ज्यादातर देखा है अभी जब से मैंने इस बुक का जो वीडियो है वो आपके साथ शेयर किया है कि मैम हम इस बुक को परचेस किस तरीके से करें, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस नाम से इस बुक को परचेस करें, तो आप क्या कीजिए, जो फ्लिपकार्ट पर UPSCET यानी उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट बुक बाई टेस्ट प्रिपरेशन पब्लिकेशन, ठीक है, ऐसा जब आप डालोगे मतलब जो फ्लिपकार्ट है उस पर UPSCET करके डालोगे तो आपको ये बुक जो है वो दिख जाएगी, ठीक है। तो आप ये बुक मतलब प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छी बुक है और क्योंकि कम टाइम बचा है आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इस बुक से आप अपनी जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो मस्त तरीके से कर पाओगे, क्योंकि लगभग 2000 क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं और अगर आप 2000 क्वेश्चंस 2 से 3 बार भी कर लेते हो ना तो आपको इतना अच्छे तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ जाएंगे कि जो एग्जाम है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बायोलॉजी से किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिजिक्स से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एग्जाम का लेवल होता है वो किस तरीके का होता है, ठीक है, और कितना डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट मैंने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन देखे हैं कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हम किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें, मतलब हम मतलब ज्यादा पढ़ें या कम पढ़ें, तो ये तो आपको तब पता चलेगा ना जब आपको ये पता चलेगा कि आपके जो एग्जाम है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इस बुक से जो अपनी प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट हैं जो इस बुक को लेकर परेशान है कि मैम इस बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहे, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, जैसे कोई क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप उसको भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उसका सॉल्यूशन जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो आप ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी है, जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को मतलब इसकी ज्यादा प्राइस भी नहीं है तो आप अपनी प्रिपरेशन के लिए ये बुक जो है उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ये बुक आपके लिए अच्छी रहेगी और अगर उत्तर प्रदेश BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।